वितरण के माध्यम मध्यस्थ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिडलमैन। वर्तमान युग विपणन प्रधान युग है जिसमें उत्पादन करना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। यदि उसके समक्ष अब कोई चुनौतीपूर्ण कार्य है तो वह उत्पादों का विपणन करना। विपणन कार्य की प्रक्रिया में एक प्रमुख कार्य है उत्पादों की वितरण व्यवस्था करना। कुशल वितरण व्यवस्था के द्वारा ही उत्पादों को उत्पादक से अंतिम उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं तक यथासमय एवं यथास्थान पहुँचाया जा सकता है। अब वितरण माध्यम का अर्थ और परिभाषा है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मिडलमैन या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण माध्यम से तात्पर्य उन वितरण प्रणालियों एवं मार्गों से हैं जिनसे होकर उत्पाद निर्माताओं से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इसमें वे सभी मध्यस्थ सम्मिलित है जो उत्पादों को निर्माताओं से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। वितरण माध्यमों की कुछ परिभाषाएँ जो इस प्रकार है। पहली, विलियम जे स्टेंटन तथा उनके सहलेखों के अनुसार वितरण वाहिका या वितरण मध्यस्थ लोगों एवं संस्थाओं का समूह है जो किसी उत्पाद के स्वामित्व को स्थानांतरित करने में संलग्न है। दूसरी परिभाषा है बुशक्रिक के अनुसार, RH बुशक्रिक के अनुसार, वितरण माध्यम आर्थिक संस्थाओं से निर्मित वे मार्ग है जिनके माध्यम से उत्पादक अपने उत्पादों को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। वितरण अमेरिकी विपणन संघ के अनुसार, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार, वितरण माध्यम से आशय निजी कंपनी के आंतरिक संगठन इकाइयों के ढांचे तथा कंपनी के बाहर के एजेंट तथा डीलर एवं थोक तथा फुटकर व्यापारियों से हैं जिनके माध्यम से कोई वस्तु उत्पाद या सेवा का विपणन किया जाता है। प्रोफेसर फिलिप कोटलर के अनुसार वितरण माध्यम उन स्वतंत्र संगठनों का समूह है जो उपभोग या उपभोग के लिए उपलब्ध किसी उत्पाद या सेवा के विपणन की प्रक्रिया में संलग्न है। निकट रूप में वितरण वाहिका या वितरण के माध्यम उन लोगों तथा संस्थाओं के समूह हैं जो उत्पादों को उत्पादकों से अंतिम उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाने वाले तथा उनके स्वामित्व को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। अब वितरण माध्यम में क्या विशेषताएं होती है, कुछ विशेषताएं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण माध्यमों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली, वितरण माध्यमों में वितरण कार्य में संलग्न विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाएं सम्मिलित है। ये संस्थाएं उत्पादकों, निर्माताओं तथा अंतिम उपभोक्ताओं या उपयोगकर्ताओं के बीच की कड़ी है। ये उत्पादक से अंतिम ग्राहक तक जिसमें अंतिम उपभोक्ता या उपयोगकर्ता सम्मिलित है उत्पादों को पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये उत्पादों के स्वामित्व को भी स्थानांतरित करते हैं। ये उत्पादों तथा स्वामित्व के स्थानांतरण द्वारा उपयोगिता का सृजन करते हैं। ये अनेक नामों से जाने जाते हैं जैसे एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, आड़ती आदि। वितरण माध्यमों का महत्व, कार्य या सेवाएँ। इम्पोर्टेंस फंक्शंस सर्विस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण माध्यमों का महत्व, कार्य, सेवाएं। प्रोफेसर कोटलर का मत है कि वितरण माध्यमों का विपणन का आधारभूत विशिष्ट ज्ञान, उनके संपर्क साधन तथा उनके कार्य का पैमाना उत्पादक को बहुत अधिक लाभ प्रदान करता है। वस्तुतः वितरण माध्यम सामान्य सभी व्यवसायों के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी व्यवसायों के लिए आधारभूत सेवाएं प्रदान करते हैं। संक्षेप में वितरण माध्यमों का महत्व या उनके प्रमुख कार्य सेवाएं निम्नलिखित है। जैसे पहला, उत्पादों के वितरण में सुविधा। फैसिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मध्यस्थ विभिन्न उत्पादों को यथासमय यथास्थान उत्पादकों से उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाने की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। उनकी इस सेवा के कारण ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चक्कर चलता है। दूसरा, स्वामित्व का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ टाइटल।
वितरण के माध्यम केवल उत्पादों को हस्तांतरित करने का कार्य नहीं करते हैं बल्कि उसके स्वामित्व का भी हस्तांतरण करते हैं। ये उत्पादों पर उत्पादक के स्वामित्व को अंतिम उपभोक्ताओं या व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं तक हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। तीसरा, पूरक उत्पादों के व्यापार से मुक्ति, फ्री फ्रॉम द ट्रेड ऑफ कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। वितरण के माध्यम उत्पादों को अपने मूल उत्पाद के साथ पूर्व उत्पादों के विक्रय से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। उदाहरण के लिए रेजर ग्लेड ब्लेड पूर्व उत्पाद है, मध्य सेवाएं उपलब्ध होने से उत्पादक को ब्लेड बनाने में बेचने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, उपयोगिता का सर्जन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मध्यस्थ उत्पादों में उपयोगिता का सर्जन करके बहुत बड़ी सेवा करते हैं। ये समय स्थान स्वामित्व संबंधी उपयोगिता का सर्जन करके समाज की सेवा करते हैं। उपभोक्ताओं की संतुष्टि, मध्यस्थ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं आदि को भली प्रकार समझकर उन्हें पूरा करते हैं, फलतः उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि मिलती है। वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग, मध्यस्थ उत्पादों को वित्तीय व्यवस्था में भी सहयोग करते हैं। ये उत्पादों के लिए अग्रिम देकर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। दूसरी ओर थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को उधार माल बेचकर उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध करते हैं। इतना ही नहीं, फुटकर व्यापारी भी उपभोक्ताओं को साख सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर सूचनाओं की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मध्यस्थ उत्पादकों को आवश्यक सूचनाएँ भी उपलब्ध करवाते हैं। ये बाजार मांग, पैसन, उपभोक्ताओं की रुचि आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर वे अपने उत्पादों का सर्जन, उत्पादों का नियोजन, विकास, परिवर्तन, विविधीकरण कर सकते हैं। मूल्य निर्धारण में सहायक, हेल्प प्राइसिंग, मध्यस्थ बाजार की मांग, अन्य उत्पादों की कीमतों, प्रतिस्पर्धियों के मूल्य नीतियों एवं योजनाओं आदि की जानकारी उपलब्ध करते हैं। वे उत्पाद मूल्य के संबंध में अपने सुझाव भी देते हैं। इन सबसे उत्पादों को अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में सहायता मिलती है। मांग पूर्वानुमान में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन डिमांड फोरकास्टिंग, मध्यस्थ अपने अनुभवों एवं अनुमानों के आधार पर उत्पादों को अपने उत्पादों की मांग का पूर्वानुमान करने में योगदान देते हैं। सहवर्धनात्मक प्रयासों में योगदान, कंट्रीब्यूट्स टू द प्रमोशनल इफर्ट्स, मध्यस्थ उत्पादों को सहवर्धनात्मक प्रयासों में भी योगदान देते हैं। ये विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन के विभिन्न कार्यों को करते हैं। इतना ही नहीं, ये उत्पादों की सजावट एवं क्रियात्मक प्रदर्शन करने के लिए स्थान एवं सुविधा भी देते हैं। उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करके भी सर्वनात्मक प्रयासों में योगदान देते हैं। सामग्री एवं अन्य संसाधनों की आपूर्ति, हेल्प एक्वायर रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज, मध्यस्थ उत्पादों को उनकी आवश्यक सामग्री एवं अन्य संसाधन, कच्चा माल है, यंत्र, उपकरण, सहायक उत्पाद, कार्य साधन एवं उपकरण आदि प्राप्त करने में सहायता करते हैं। वे उन्हें उचित मूल्य एवं सही समय पर सही किस्म की सामग्री एवं अन्य सभी संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं। बाजार विस्तार में सहायक, हेल्प्स मार्केट एक्सटेंशन, मध्यस्थ बाजार क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उत्पादकों की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। ये अपनी वितरण व्यवस्था के विस्तृत जाल से देश विदेश में उत्पादों के माल का वितरण करने में सक्षम है। ग्राहकों से संपर्क में सुविधा, इजी टू कॉन्टैक्ट कस्टमर्स, मध्यस्थ के कारण उत्पादों को उपभोक्ताओं से संपर्क बनाए रखने में सुविधा होती है। मध्यस्थों के माध्यम से उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, कठिनाइयों आदि की जानकारी की जा सकती है। इसी प्रकार उत्पादक भी अपने उत्पादों तथा नीतियों के संबंध में आवश्यक संदेश उनको पहुंचा सकते हैं। अतः मध्यस्थ उत्पादकों एवं ग्राहकों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
अब है वितरण प्रणालियों तथा मध्यस्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिडलमैन। उत्पादों के वितरण के लिए अनेक वैकल्पिक प्रणालियां या श्रृंखलाएं अपनाई जा सकती है। विद्वान इसकी संख्या 4 से लेकर 9 तक मानते हैं, किंतु बिहार में वितरण की 5 प्रमुख प्रणालियों में से किसी एक प्रणाली को ही अपनाया जाता है। वे 5 वैकल्पिक वितरण प्रणालियाँ निम्नलिखित है। पहली है उत्पादक उपभोक्ता, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स। इस वितरण प्रणाली को प्रत्यक्ष विक्रय प्रणाली भी कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस माध्यम में ग्राहक उत्पादक का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। उत्पादक अपना माल बिना किसी मध्यस्थ की सहायता से उपभोक्ता को विक्रय करता है। इस प्रणाली से माल का विक्रय करने पर मध्यस्थों का बिल्कुल अंत हो जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग करने वाले उत्पादक अपने यहाँ घर घर विक्रय करने वाले विक्रयकर्ता रखते हैं या डाक द्वारा व्यापार करते हैं या अपने फुटकर संग्रह पर दुकानें खोल देते हैं। दूसरा है उत्पादक फुटकर व्यापारी उपभोक्ता, प्रोड्यूसर रिटेलर और कंज्यूमर्स। वितरण की इस प्रणाली में उत्पादक अपने माल को फुटकर व्यापारी को बेच देता है। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करते हैं। उदाहरणतः हमारे देश में सामान्यतः सिलाई मशीनें, पंखे, मोटर गाड़ियाँ इत्यादि वस्तुओं का विक्रय सीधे उत्पादक द्वारा फुटकर व्यापारी या डीलर को ही किया जाता है। तब फुटकर व्यापारी सीधे अपने ग्राहक को माल का विक्रय कर देते हैं। तीसरी प्रणाली या तीसरा प्रकार, उत्पादक थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। वितरण की इस प्रणाली में थोक व्यापारी उत्पादक से माल क्रय करता है और फुटकर व्यापारी माल का विक्रय करता है, जो पुनः उपभोक्ताओं को माल विक्रय करता है। देश और विदेश में इस प्रणाली का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। और चौथी, उत्पादक एजेंट, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, एजेंट, रिटेलर और कंज्यूमर। कई उत्पादक अपने एजेंट के माध्यम से फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रय करते हैं, जो पुनः उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। प्राय एजेंट को माल के स्वामित्व का स्थानांतरण नहीं होता है, अतः इस माध्यम में से कुछ मित्रता लाई जा सकती है। पांचवा, उत्पादक एजेंट थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। कभी कभी उत्पादक अपने माल के वितरण के लिए एजेंट, थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी सभी को मध्यस्थ बनाता है। इस प्रणाली में उत्पादक एजेंट नियुक्त करता है जो थोक व्यापारी को माल का विक्रय करता है। तथा थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करता है। वितरण के पहले प्रणाली सबसे लंबी प्रणाली है, इसलिए इस प्रणाली का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। इस प्रकार वितरण की 5 प्रणालियाँ हैं। अब वितरण प्रणाली मध्यस्थ। विभिन्न वितरण माध्यमों में कार्यरत सभी मध्यस्थों को हम 2 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है क्रियात्मक मध्यस्थ या व्यापारिक एजेंट, दूसरा है व्यापारिक मध्यस्थ। तो इन एजेंटों को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्रियात्मक मध्यस्थ, दूसरा व्यापारिक मध्यस्थ। तो पहला है क्रियात्मक मध्यस्थ या फंक्शनल मिडलमैन। क्रियात्मक मध्यस्थ वे मध्यस्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार की विपणन सेवाएं प्रदान करते हैं। इनका प्रमुख कार्य उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने की क्रिया को सरल बनाना तथा सहायता पहुंचाना है। इस प्रकार के मध्यस्थों से हम निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं। दलाल। दलाल वह व्यक्ति होता है जो अपने नियोक्ता के नाम से उसकी ओर से माल का विक्रय करता है। वे क्रेता विक्रेता से संपर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। दूसरा, आढ़तिया। आढ़तिया वह व्यक्ति होता है जिसे अपने नियोक्ता का माल बेचने का पूरा अधिकार होता है। ये अपने नियोक्ता को माल अपने नाम से बेच सकता है। कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी ओर से माल क्रय विक्रय करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये अपने नियोक्ता के हित के लिए माल का क्रय विक्रय करते हैं, जिसके बदले में इन्हें कमीशन मिलता है। परिशोध अभिकर्ता। जब एजेंट का माल विक्रय करने के अतिरिक्त उधार विक्रय राशि को वसूल करने का उत्तरदायित्व भी डाला जाता है, तो ऐसा एजेंट परिशोध अभिकर्ता कहलाता है। फॉरवर्डिंग या आकर्षण एजेंट। जो एजेंट बंदरगाहों से विदेशों को निर्यातकर्ताओं की ओर से माल लदवाने के लिए नियुक्त किया जाता है, वह फॉरवर्डिंग एजेंट या आकर्षण एजेंट कहलाता है। क्लियरिंग एजेंट। यह वह एजेंट होता है जो आयात किए हुए माल को आयातकर्ता की ओर से छुड़वाता है तथा आयातकर्ता के पास पहुँचवाता है। फिर है नीलामकर्ता एजेंट।
ये वह एजेंट होता है जो माल को नीलाम द्वारा विक्रय करने की व्यवस्था करता है। अब दूसरा व्यापारिक संबंध, मर्चेंट मिडलमैन। व्यापारी मध्यस्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, थोक व्यापारी वह व्यापारी होता है जो उत्पादकों या निर्माताओं से भारी मात्रा में माल खरीदता है, उसे संग्रह करके रखता है, तब फुटकर व्यापारियों की छोटी छोटी मात्रा में आवश्यकता माल का विक्रय करता है। ये उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच की कड़ी है। दूसरा फुटकर व्यापारी वह होता है जो अंतिम उपभोक्ताओं को माल विक्रय करता है, ये अनेक प्रकार की अनेक निर्माताओं की बनी वस्तुओं का संग्रह करके रखता है। ये अपनी दुकान या स्टोर की सजावट पर ध्यान देता है, ये ग्राहकों को बहुत ही छोटे छोटे मात्रा में माल का विक्रय करता है। फुटकर व्यापारियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी, स्मॉल स्केल रिटेलर्स। लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी बहुत ही छोटे स्तर पर सीमित क्षेत्र में कारोबार करते हैं। ऐसे फुटकर व्यापारियों में फेरी वाले, गली के दुकानदार, पुराने माल के दुकानदार, विशिष्ट फुटकर दुकानें, साधारण सामान के जनरल स्टोर आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी, लार्ज स्केल इंटरप्रेटर। दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापारी वे होते हैं जो बहुत व्यापक स्तर पर अपेक्षाकृत बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। इनमें विभागीय भंडार, श्रृंखलाबद्ध दुकानें जैसे बाटा की दुकानें, फ्रेंचाइज शॉप जैसे बॉम्बे डाइंग, DCM शॉप आदि, सुपर बाजार, उपभोक्ता सहकारी भंडार, एक मूल्य दुकानें, किराया करे एवं किस्त भुगतान विक्रय वाली दुकानें, डाक द्वारा व्यापार करने वाली संस्थाओं को सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार अपने आज वितरण के माध्यम का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ और वितरण का महत्व, कार्य और वितरण के वितरण प्रणालियों के प्रकार या मध्यस्थ के प्रकार का अध्ययन किया है। धन्यवाद।